ड्रोक्सिल 500 एम जी टेबलेट जो कि बनाया जाता है इंटास फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सिपाड्रोक्सिन 500 एम जी रहता है और यह 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 50 रुपये रहता है। तो ये टेबलेट जो कि काम आती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको सब कुछ ड्रोक्सिल टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ड्रोक्सिल 500 एम जी टेबलेट जो कि बनाया जाता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है सिपाड्रोक्सिल 500 एम जी टेबलेट और ये 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 50 रुपये रहता है। तो ड्रोक्सिल 500 एम जी टेबलेट जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि ट्रीटमेंट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करती है थ्रोट्स में, ईयर्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्किन में और सॉफ्ट टिश्यू में ये काम करती है। ये किल करती है उस बैक्टीरिया को जो कि सिम्टम क्योर करती है और ये टेबलेट जो कि काम करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम। टेबलेट को अगर आप डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, खुद से ले रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपके स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं, आपको उल्टी जैसा हो सकता है, आपको उल्टी भी हो सकती है, आपके स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और दस्त भी लग सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस टेबलेट का डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ड्रोक्सिल 500 एम जी टेबलेट काम करते करती है कि इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर सिपाड्रोक्सिन डाला गया, वो एक एंटीबायोटिक है जो कि क्या करता है कि प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के सेल्स वॉल को, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए जो फूड रिक्वायर्ड रहता है तो वो नहीं मिलता, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया का स्प्रेडेबिलिटी नहीं होता, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहीं पे ठीक हो जाता है। तो ऐसे काम करती है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।